After 67 years of independence, the dream of the Gandhiji remained a dream. Malnutrition is one of the serious problems all over the India, and which is only the basic reason of all disease. किसी बच्चे को अगर माल न्यूट्रिशन हो जाता है तो उसमें अलग अलग विटामिन और न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण उसके प्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं. जैसे विटामिन ए की कमी हो तो उस बच्चे को रतौंधी हो सकती है, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है. विटामिन बी की कमी हो गई तो बेरी बेरी हो सकता है. विटामिन सी की कमी हो गई तो स्कर्वी हो सकता है. विटामिन डी की कमी हो गई तो रिकेट्स हो सकता है, हड्डियों की बीमारी हो सकती है. एनीमिया तो होता ही होता है. दूसरा, माल न्यूट्रिशन वाले बच्चे को इन्फेक्शन भी बहुत जल्दी होता है क्योंकि उसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है. इम्यूनिटी कम होने के कारण उसको चेस्ट इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी हो सकता है, पेट का इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी हो सकता है, यूरिन का इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है, जिससे उसकी फर्दर ग्रोथ में दिक्कत हो सकती है. Poverty and malnutrition is the worst condition. The significance of that can be seen on the face of the people who are suffering from malnutrition, and for that the poor people set dreams. The developing country like India, where population is increasing in a rapid speed, and as well as the problems of malnutrition and poverty is also increasing along with the population. टीके कारण समय पर नहीं हुआ तो भी बच्चा इन्फेक्टेड होगा. बहुत से टीके हैं जो अंडर 6 मंथ के अंदर अंदर लग जाते हैं, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, BCG, TB और पोलियो. ये सारे टीके 6 महीने के अंदर अंदर लग जाते हैं. द पीपल ऑफ इंडिया हु आर नॉट गेटिंग प्रॉपर फूड एंड न्यूट्रिशन कैन सफर फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन. मेल न्यूट्रिशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट, इट इज कॉज्ड ड्यू टू द पॉवर्टी, एंड सेकेंड, द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन. Because of the inequality, it is normally caused in female, and because of that, the children also get affected. ये गर्भवती महिला है तो उसका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि उस समय वो खुद के लिए खाना नहीं खा रही होती है, केवल वो बच्चे के लिए भी खाना खा रही होती है. और न्यूट्रिशन जो है एक बैलेंस डाइट के रूप में होना चाहिए. गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो बहुत ही न्यूट्रिशियस डाइट होना चाहिए, दूसरा आयरन सप्लीमेंट्स होने चाहिए, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स होने चाहिए, कैल्शियम सप्लीमेंट्स होने चाहिए. जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहली चीज़ होती है मदर फीड. माँ का दूध सबसे पौष्टिक और उस बच्चे के हिसाब से बना होता है. अगर बच्चा कमज़ोर पैदा हुआ है तो मदर फीड भी उसी टाइप का होगा, और बच्चा अगर तंदुरुस्त है तो भी मदर का फीड उसी तरह से. तो सबसे पहला तो माल न्यूट्रिशन इसी से कम किया जा सकता है कि अगर माँ ने बच्चे को 6 महीने तक दूध पिलाया है तो माल न्यूट्रिशन की संभावना बहुत कम हो जाती है. सेवरल प्रोग्राम्स आर रनिंग बाय आर गवर्नमेंट. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल इंडियंस टू थ्रो आउट द माल न्यूट्रिशन फ्रॉम आर कंट्री. लेट अस नाउ स्टार्ट फ्रॉम आर होम.